students, hope so you will be fine. Here is the 19th lecture. In this lecture, we will start our new topic, sugar and spice. Our first lesson is newspaper article, crispy, creamy donuts. Let's start reading. Paragraph 1. They are big over there and now they are coming over here. Donuts so high in fat content. Donuts so say fat content में इनकी मतलब इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं. दे हैव बीन ब्रांडेड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन. इसे क्या कहा जाता है? ब्रांडेड वेपन. अमेरिकाज न्यू फेवर थिंग्स आर हेडिंग फॉर ब्रिटेन. पैराग्राफ टू. अ रिपोर्ट बाय द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेंड स्पॉटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ आइडेंटिफाइड अ न्यू पैटर्न ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस दैट विल लाइकली बी फॉलोड इन द यूके. द स्टडी ट्रेंडस्केप 2004 बाय माइकल चोंग. माइकल चोंग सेज स्पेनिश फूड इज़ इन अमेरिका एंड प्रिडिक्ट किया उसने पेशेंट को किया कि क्रिस्पी क्रीमी डोनट्स आर सेल्स फिनोमिना इन द यूएसए. यूएस में ये क्या है सेल्स फिनोमिना है मतलब इसकी वहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है. विल इन्जॉय मैसिव सक्सेस इन ब्रिटेन. अमेरिका के साथ साथ अब ये क्या करेगा इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी ब्रिटेन में भी क्योंकि अमेरिका के साथ साथ इसे ब्रिटेन में भी लोग इसे पसंद करना शुरू हो गए. द फर्स्ट क्रिस्पी क्रीमी शॉप आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका ओपनड इन हैरड्स फूड हॉल लास्ट मंथ एंड अनदर 100 आर प्लान्ड इन द यूके ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. जो पहली क्रिस्पी क्रीमी की जो शॉप थी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में उसके बाहर हैरड्स के बाहर मतलब फूड हॉल में लास्ट मंथ में ओपन हुई और 100 जो सी हैं और प्लान की जा रही हैं यूके में नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए. माइकल चोंग आल्सो बिलीव्स दैट डिस्पोजिबल डीवीडीज. माइकल चोंग जो है वो डिस्पोजिबल डीवीडीज जो है उन पर भी यकीन रखता है. विच वेंट ऑन सेल इन अमेरिका अर्लियर दिस ईयर. इस ईयर के स्टार्ट में अमेरिका में क्या हुई हैं जो कि सेल हुई हैं. द इरेजेज एंड इरेजेज इटसेल्फ आफ्टर टू डेज के अंदर अंदर इनका जो स्टॉक वो ख़त्म हो गया. विल प्रूव अ बिग हिट हेयर इन ब्रिटेन. नाउन एज इज डीवीडीज द डिस्क ऑक्सीडाइज 48 आवर्स आफ्टर बींग रिमूव फ्राम देयर वैक्यूम सील सो दैट दे कैन नो लॉन्गर बी यूज. दे आर इन पार्ट इंटेंटेड टू सेव पीपल द बॉदर ऑफ रिटर्निंग फिल्म टू हायर शॉप्स but neither development is being welcomed with open arms. The crispy creamy donuts has been condemned by health experts. जो crispy creamy donuts हैं ये health experts की तरफ से इनको क्या किया जा रहा है condemned मज़ाहमत की जा रही है because of its extraordinary high fat. किस वजह से क्योंकि इसमें calories बहुत ज़्यादा होती हैं high fat की वजह से इसको condemned किया जा रहा है. And MPs are concerned about the environmental impact of throwaway DVDs even before they arrive in this country. In America, the donut market was the fastest growing food sector of 2002 में अमेरिका में डोनट की जो मार्केट है वो मतलब बड़ी जल्दी से बड़ी तेज़ी से फैली है. When sales grew by 9%, a success likely to be repeated in Britain with 48 varieties such as chocolate iced, custard filled and vanilla raspberry glazed crispy creams are notorious for their high fat content, raising fears they could accelerate another American lifestyle import obesity. The original glazed crispy creamy contains 12 gram of fat, 18% of the donut and 200 calories. ये उसके अंदर बताया गया कि 12 gram of fat होती है उसके अंदर 18% उसके अंदर calories होती हैं 200 कैलोरीज होती हैं 18% ऑफ डोनट. द चॉकलेट मेल्टेड क्रीमी कंटेन्स 21 ग्राम ऑफ फैट एट 32% नियरली अ थर्ड ऑफ द डोनट एंड 390 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं. कैथरीन कॉलिन चीफ डाइटिशियन एट सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल इन लंदन एंड अ स्पोक्स पर्सन फॉर द ब्रिटिश डाइटिक एसोसिएशन वांट दैट द फैट कंटेंट वाज सो हाई पीपल शुड लिमिट देमसेल्व्स टू वन अ डे. उसने वहाँ यहाँ पे वार्न किया है कि ये जो लोग डोनट जो से इनको खा रहे हैं इसकी एक लिमिट होनी चाहिए. जो फैट कैलोरीज होती हैं एक दिन में इसकी लिमिट होनी चाहिए. दे आर लवली शी सेड. उसने कहा वो अच्छे होते हैं बट शी सेड दे मेल्ट इन द माउथ. वो माउथ में जाते क्या होते हैं मेल्ट हो जाते हैं. बट 200 कैलोरीज इज़ द लिमिट ऑफ व्हाट वी कॉल इन द नॉटी ट्रीट्स. वी शुड एडवाइस फॉर अ डे 10% ऑफ द नेसेसरी इनटेक ऑफ 2000 कैलोरीज फॉर वेमेन के लिए इतनी कैलोरीज होनी चाहिए 10% ऑफ द नेसेसरी मतलब इतनी ज़रूरत है उनको. एंड 2500 फॉर मैन वेमेन के लिए 2000 एंड मैन के लिए 2500. बट क्रिस्पी क्रीमीज आर वेरी मॉरिश एंड नॉट पर्टिकुलरली फीलिंग. क्रिस्पी क्रीमीज जो होते हैं वो क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं नॉट पर्टिकुलरली फीलिंग. एस्थेटिकली दो दे आर ब्यूटीफुल. डॉक्टर आयरन कैम्बल
चेयरमैन ऑफ द नेशनल ओबेसिटी फॉरन फॉरम हैज़ एक्यूज्ड, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया क्रिस्पी क्रीमी ऑफ सिनिकली बकिंग द ट्रेंड ऑफ हेल्दी ट्रेंड फॉर हेल्दी ईटिंग एट टाइम बट व्हेन अदर फूड्स मैन्युफैक्चरर्स आर रिड्यूसिंग सॉल्ट कंटेंट एंड पोर्शन साइज डोनट्स हैव नेक्स्ट टू नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट ही सेड। उन्होंने कहा कि डोनट्स जो से हैं वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं इससे नहीं होता, इट्स अननेसेसरी कैलोरीज, इसके अंदर अननेसेसरी जिनकी मतलब ज़रूरत भी नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। दिस इज़ जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिनिकल एक्सप्लॉयटेशन। इन अमेरिका क्रिस्पी क्रीमी हैज़ डबल इट्स प्रॉफिट्स एवरी ईयर फॉर द पास्ट थ्री ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों से वो डबल प्रॉफिट जो है वो कमा रहा है एंड इट्स शेयर प्राइस हैज़ क्वाड्रपल्ड ऑन फ्राइडे, इट रिपोर्टेड प्रॉफिट अप 43.4% टू $14.5 million फॉर द 3 months टू नवंबर, मतलब ये सारा उसका प्रॉफिट हुआ इन 3 months में। नेक्स्ट वी डिस्कस सम वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज़ टक्स, टक्स मीन हल्की तलवार, ड्रा टुगेदर इन टू अ स्मॉल प्लेस, इट्स अ वर्ब, ही टक्स द पिस्टल इन टू हिज यूनिफॉर्म, इनकॉग्निटो होता है बेस बदलना, इन दिस गाइज ऑब्जेक्टिव, आई हैव बीन इनकॉग्निटो आल्सो बट आई हियर नो ऑर्गेनाइजेज यू देयर, रूथलेस होता है बेरहम, पिटीलेस ऑब्जेक्टिव, द डायरेक्टर इज रूथलेस एंड विल किल एनी वन हु चैलेंजेस हिज अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज नटमैग, नटमैग होता है जायफल, एंड एवर ग्रीन ट्री कल्टिवेटेड फॉर स्पाइसी सीड्स, ये एक स्पाइसी सीड है, इट्स अ नाउन, आई एडेड शुगर टू माइन एंड स्टिर द फोर्थ एंड नटमैग इन टू अ क्रीमी सरफेस। आर्किपेलागो, बहल जजायर, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जजीरों का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं, इट्स अ नाउन, मैनी क्रिसेस सेल टू एन आर्किपेलागो इन आर्डर टू अलाउ टूरिस्ट टू विजिट मैनी आइलैंड नेशंस इन जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एरोमा खुशबू होती है, अ प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी खुशगवार, एक अच्छी स्मेल होती है, इट्स अ नाउन, आई लव द एरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी, या आई लव द एरोमा ऑफ फ्लावर्स। लैंडस्केप मंजर, अ टेरिटरी विच द आई अप्रीहेंड इन वन व्यू, इट्स अ नाउन, इन द विंटर द लैंडस्केप इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। पुडिंग होती है एक किस्म का खाना, अ स्वीट डिश होती है, स्वीट डिश, इट्स अ नाउन, आई हैड सम कस्टर्ड पुडिंग फॉर एन आफ्टरनून स्नैक। प्लेट तख्ता, अ थिन बोर्ड आयरन विच पेंटर मिक्सिस कलर, इट्स अ नाउन, देर आर मैनी कलर्स ऑन टू द प्लेट ऑफ पेंटर। स्क्वाड, सिपाहियों का हजूम जो होता है, अ ग्रुप ऑफ 10 members, इट्स अ नाउन, माई ब्रदर इज़ अ मेम्बर ऑफ रेस्क्यू स्क्वाड। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन आर शुगर एंड स्पाइस रीडिंग एंड सम वर्ड सेंटेंसेस, होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव इन दिस रीडिंग, थैंक यू।